तो गाइस ये पट्टियाँ अभी सब खोल के रखना है, 45 मिनट हो गए। मनोज तो खोल रहा है, देख यहाँ पे ना ये ठंडी पट्टी है ताकि चक्कर नहीं आए। हम ऐसी पट्टी घड़ी करके नहीं ले गए थे, तो मेरे को बोला कि कल से सही से घड़ी करके लाना। तीसरा गिलास विजय शाह पानी का। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज सुबह से जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है, तो वो दिन शुरू होने वाला है आज से। पहला दिन है आज अगर माना जाए तो, कल आधा दिन था, ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा बहुत बताया मैंने आपको पिछले ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी अच्छे भी होंगे और मैं भी ठीक हूँ यहाँ पर। और सुबह सुबह कुछ नया सामान जल नेति और वगैरह लेके जा रहा हूँ, और ये शुगर चेक करके हम निकलते हैं, क्योंकि ये मुझे नोट करना है। तो ये मेरी शुगर चेक कर लिए, सुबह 4:30 बजे 317 आई है अभी। तो अभी शुगर चेक करने के बाद हम निकलते हैं, हमारे ट्रीटमेंट के लिए निकल रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, और मेरे को रात को 1:30 बजे उठ गया, नींद ही नहीं आई है, और एडिटिंग करी खूब मैंने, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, इसलिए उत्साह के चक्कर में मेरे को नींद भी नहीं आ रही। और अभी हम 4:30 बजे हम विश्वकर्मा सेंटर के पास में जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनिमा लेने के लिए भेजा है मुझे, तो एनिमा ले लेता हूँ मैं, और ये गिलोय और नीम का पानी। A few moments later. अभी हम योग कर रहे हैं। एनिमल लेने के बाद हम गए फ्रेश होने, फ्रेश होने के बाद जल नेति और आई वॉश, और उसके बाद सूत्र नेति करी। हम योग भवन में आए हैं, योग मैदान में आए हैं। अब योग करते करते 6 बज गए हैं। कपाल भाती के साथ ये गोमुखासन की अपनी अलग महिमा है। 2 hours later 7:30 बज गई है और योग कंप्लीट हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं काढ़ा पीने, और काढ़े का स्टॉल पीछे की तरफ है। आ रहे हैं काढ़ा पीने के लिए, जा रहे हैं आगे अभी हम। ये काढ़े की लाइन लगी हुई है इधर। आज मनोज ग्लास भूल गया, तो हम दोनों साथ में एक ही ग्लास से काढ़ा पी रहे हैं, बोतल में नहीं दिया। तो आप भी ध्यान रखना, ग्लास जरूर लेके चलना साथ में, भूलना मत कहीं। सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लें कि मुझे जो कुछ मिल रहा है 100% मेरे कर्मों का परिणाम। A few moments later. अब इधर पीछे एक योग मैदान है, वहाँ योग मैदान से अब हम जा रहे हैं कैंटीन में। देख रहे हो ऐसी गाड़ियाँ जो चल नहीं सकते दूर तक, वो इनसे जाते हैं इधर उधर। चार और पाँच पे जा रहे हैं, काउंटर नंबर 4 और 5 पे डाइट के हिसाब से, और यहाँ से हमें कुछ मिलेगा तो अभी बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये एक एक चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको ये सारा आइटम नहीं मिलेगा, समझ नहीं आएगा आपको, वो खुद भी इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं वो भी। जैसे पियर्स हैं 5G 2 BT 4, उसकी अलग डाइट है, मेरी अलग डाइट है। ये देखो जूस मिला है, इसमें खीरा करेला टमाटर के साथ जूस है, और ये उबला हुआ टमाटर है, बादाम है 5, मेथी दाना लेना था मेरे इसमें, और एक फल लिखा था तो वो दिया मुझे। ये थाली यहीं से मिली है, गिलास लेना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे भी इसको नुकसान हुआ है, गिलास मिलाया ये तो आप मनोज भी गया और बॉटल में जूस लेके आया गिलास भूलने के कारण, पर जूस बहुत ज़्यादा दे दिया इसको। मैंने पूछा तो बोले कि आपको इतने ही पीने हैं। अच्छा, मतलब ये उनके पास जो नाप है ना उससे सेम ही भरा था ये गिलास और वो बॉटल। तो अभी क्या है कि स्वास्थ्य सुधारने के लिए बाद में खाऊंगा मैं, ये पहले पीऊंगा, पर नाक पकड़ के पीना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कड़वा है। बढ़िया है। तो अब कैंटीन के बाहर हमको विजय सर का पानी पीना है मेरे को, जो दिन भर में 1 लीटर पीना है। ये 250 ग्राम का है ग्लास मेरा, और यहाँ पे बहुत सारे तरह के पानी रखे हुए हैं, पीड़ानता की इम्यूनिटी के लिए भी है कुछ, और बहुत सारे पानी है यहाँ पे। सोप का पानी लेने जा रहा है मनोज, उसको सोप का पानी पीना है। अब हम जा रहे हैं पंचकर्मा सेंटर डॉक्टर को दिखाने, ताकि अगला क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो बताऊँगा मैं आपको। A few moments later. तो अभी हम पंचकर्मा सेंटर गए थे, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर 3 बजे मिलेंगे, हमें समझ नहीं आया था, तो हमारे डॉक्टर 3 बजे मिलेंगे, तो 3 बजे आएंगे, और उसके पहले नेचुरोपैथी है,
FBM फुल बॉडी मसाज होगी अभी हमारी और STB और स्टीम बाथ मिलेगी हमें, उसके बाद CP कुछ वहाँ होगा और शायद वहाँ वीडियो नहीं बना पाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जहाँ तक भी बन रहा है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो अभी हम नेचुरोपैथी सेंटर जा रहे हैं। कमल के फूल, चारों तरफ गार्डन जरूर है यार। चलो। An hour later. तो सरसों के तेल से बहुत फुल बॉडी मसाज हुआ नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर, उसके बाद स्टीम बात हुई, बहुत गजब स्टीम बात थी, मेरे लाइफ का बहुत गजब का अनुभव रहा। उसके लिए आप लोग आओ, जरूर आओ इस सेंटर पे, मतलब यहाँ पतंजलि योगग्राम जरूर आओ। उसके बाद नहाया मैं, नहाने के बाद अभी अक्षय तर्पण के लिए जा रहा हूँ, आँखों के लिए इलाज है उसके लिए जा रहा हूँ अक्षय तर्पण करने के लिए। नेचुरोपैथी सेंटर के सामने एक और बिल्डिंग है उसमें जा रहा हूँ ऊपर, और मनोज गया है मिट्टी पूरे लेपन शरीर पे, पूरे मिट्टी का लेप होगा उसके, फिर नहाएगा, एक घंटा लगेगा, उसके बाद वो आएगा। अब वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर से अक्षय तर्पण के लिए यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ अक्षय तर्पण होगा मेरा। तो मैं अक्षय तर्पण के लिए इधर आया हूँ, मेरे को रूम नंबर बताया इसमें आना है, तो उस प्रकार के छोटे छोटे और ये कागज दिशा पे बॉडी, पूरे भारत में ऐसे सेंटर होना चाहिए नेचुरोपैथी, पंचकर्म षटकर्म योग आयुर्वेद सब यहाँ सब कुछ है, तो बहुत हाइजेनिक है, बहुत सही तरीके से करते हैं और बहुत ही रिजनेबल लगा मुझे तो। बस यहाँ पर जो भी आप चीज़ करने आओ ना, आप पे जो टाइम लिखा है आपके साथ वाले का अगर अलग ट्रीटमेंट है तो उसको जाने दो, आप तो टाइम से करो सब काम। अक्षय तर्पण के लिए मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, गुलाब जल डालेंगे इसमें क्या? हाँ ठीक। A few moments later. अक्षय तर्पण करने के बाद अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं लंच करने। तो अक्षय तर्पण में क्या हुआ दोस्तों कि मतलब वो जो आप देखा आपने वीडियो में, वहाँ तक वीडियो बनाया था बस, वो लगाया और उसके बाद उसमें पानी भरा दिया गुलाब जल जो उनका, वो उन्होंने आंखों पे डाल दिया। बहुत बार आंखें घुमाने के कहा, ये कोई जड़ी बूटी का तेल या ऐसा कुछ समझ लो वो था, कि उन्होंने कहा कि 2 घंटे मोबाइल में चलाना, तो इसलिए मैं मोबाइल की तरफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल देख नहीं रहा हूँ, 2 घंटे बाद ही वीडियो बनाएंगे फिर। और मोबाइल तो वैसे भी चला नहीं रहा हूँ मैं। और फिर मनोज आया इसके मिट्टी लेपन करवा के, फिर पर टाविल रखने का कहा अक्षय तर्पण के बाद, कि सूरज की तरफ मत देखना 2 घंटे तक। तो अभी मैंने इसलिए टाविल यहाँ रख रखा है, अभी हम भोजन करेंगे फिर। A few moments later. गाइस अभी आधा घंटा है खाना खाने में, उसके बाद अभी हमने सोचा कि आधा घंटा क्या करें, तो यहाँ बैठ के हमने धूप में थोड़ी धूप सिकाई कर रहे हैं और प्लस ये टाविल सुखा रहे हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। खाना खाने का टाइम होगा जब तक उधर भी साफ सफाई चल रही है। तो मैंने अभी मेरी शुगर चेक करी है खाना खाने के पहले, क्योंकि मुझे नोट करना है 311 आई है बिना इंसुलिन के ब्रेकफास्ट के बाद, बड़ी नहीं है शुगर, ये मेरे लिए अच्छा रहा। A few moments later. अभी करेले का जूस पी के आए हम और फिर अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं खाना खाने। तो गाइस मेरी डाइट अभी जो आज सुबह की है, 2 रोटी है, ये सूप है दाल वगैरह का, ये सलाद है, एक सब्जी और पनीर की सब्जी है, ये सोया पनीर है। अभी इंसुलिन लगा के खाना खाऊंगा, तो मैं इंसुलिन लगा लेता हूँ, 10 पॉइंट इंसुलिन लगा लेता हूँ। अब खाना खा लेता हूँ, खाना खा के फिर मिलते हैं हम आपसे। A few moments later. 250 ग्राम दूसरा ग्लास विजय सार जो पानी का, शाम को 2 और बचेंगे तो अभी ये पी लेता हूँ। खाना खा के हम गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि अभी हम खुद थक गए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे कॉटेज में, टेंट कॉटेज में। 2 बजे तक 2:30 बजे तक कोई भी कार्यक्रम नहीं है, तो अभी हम हमारा कपड़े धो लेंगे या और कुछ टाविल वगैरह गंदे हो गए, छोटे टाविल भी गंदे हो गए, तो अभी वो सुखा लेंगे। और ये ताला खोल रहा है यहाँ, A few moments later. तो दोस्तों यहाँ आने के बाद ये मेरे 2 शर्ट हैं, ये मुझे धोना है, बाकी मैंने सुखाने के लिए बाहर डाल दिए हैं। इतना टाइम है कि आराम से 2:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा है हमारे पास। A few moments later.
एडिटिंग कर लेता हूँ। वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। शाम को 4 बजे एयरटेल की सिम वाला आएगा तो सिम लेना है मुझे, उसके नेटवर्क यहाँ पे मिल रहा है तो उससे वीडियो अपलोड करूँगा और एक एक करके धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूँगा और फाइल ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मेमोरी भर रही है धीरे धीरे। पर आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। 2 hours later तो गाइज अभी 2 घंटे बाद जो शुगर चेक करना थी वो शुगर चेक करी तो 271 आई है, अभी कम हो गई है। और मेरे को भी ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि बॉडी जो हैबिट है उसके हिसाब से तो उससे तो कम हो गई है, क्योंकि मेरी 350 रहती है लगभग 400। तो अभी कुछ देखूँगा, मैं मीठा रख लेता हूँ जेब में। अभी मैंने ब्लड शुगर चेक कर लिया और अब उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग वापस की और अब मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने। ये कपड़े कल परसों के पड़े हैं, अभी तक नहीं धोए। ये देखिए मेहनत का काम हो रहा है। हाँ, ताकि मेरी शुगर कम हो जाए थोड़ी मेहनत करूंगा तो। बाकी लॉन्ड्री भी है यहाँ पे, अगर आप लोगों को लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने हैं तो लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा सकते हो। मेरे पास केवल 2 शर्ट है तो मैं खुद ही धो लेता हूँ, क्योंकि वहां तक जाना महंगा पड़ जाएगा मेरे को, थक जाऊंगा मैं। कपड़े धो दिए और सुखा दिए और आज हम सारा काम टाइम पे कर रहे हैं तो हमें आराम करने का थोड़ा टाइम भी मिल रहा है और मुझे एडिटिंग करने का भी टाइम मिल रहा है तो मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ। और अब थोड़ा बहुत सिर दर्द कर रहा है तो मैं सोऊंगा थोड़ी देर, आधा घंटा। A few moments later तो दोस्तों अभी हम 2:30 बजे मतलब जाना था हमको, 3 बज गई है और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट होगी जो लिखी हुई है कार्ड में, तो वहाँ जा रहे हैं। हमारे रूम से नेचुरोपैथी सेंटर पास में पड़ता है, ये महिलाओं का नेचुरोपैथी सेंटर है, हमारा उधर है आगे। ये आ गया पुरुष नेचुरोपैथी सेंटर। तो यहाँ पे 2 ग्लास पानी पीने को बोला है मुझे और वो नीम से निलाएंगे शायद और कुछ करेंगे, तो टॉवल छोटे निकालने का बोला, तो अभी कपड़े उतारने का बोला, 2 ग्लास पानी पी लिया। यहाँ पे ना एक ठंडी पट्टी है ताकि चक्कर नहीं आए, और गर्म पानी है और नीम है इसके अंदर। तो दोस्तों 10 मिनट नीम के पानी में डुबकी लगाई मतलब टब में, 10 मिनट के बाद उसमें गर्म पानी भी था, उसके बाद वहाँ से निकले और नॉर्मल पानी से मैं नहाने का कहा तो यहाँ आया और अब जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि मेरा ट्रीटमेंट जल्दी हो गया है। तो दोस्तों वहाँ से नॉर्मल पानी से नहाने के बाद कुछ ट्रीटमेंट हुआ मेरा, तो पैरों की सरसों के तेल से पिंडलियों की इतनी शानदार मालिश करी, पैरों में मेरे सरसों के तेल की मालिश करने के बाद सफ़ेद पट्टी लपेटी उसके ऊपर, फिर ये उसको कवर करा और फिर पेट के ऊपर गीली पट्टी लगा के कवर करा इसको। ये बड़ी पट्टी है, 2 छोटी पट्टी है। अब हमको जाना है रोस्ट चने खाने और मनीष जी पहले सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है, मनोज कह रहा है कि पहले डॉक्टर साहब से मिल ले तो वो ही मिल नहीं पाएंगे नहीं तो। चलो तो अभी जा रहे हैं हम पंचकर्म सेंटर, वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलेंगे हमको, उसके बाद हमारा क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो बताएंगे। A few moments later तो दोस्तों वहाँ से अभी हम आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं है, हमारा नंबर सुबह लगेगा 8 बजे और सिम लेने आए हैं एयरटेल की, गजब का नेट चलेगा ऐसा बता रहे भैया, क्योंकि वहाँ तो नेट ही नहीं चल रहा है, ना कॉल हो रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो गाइस ये पट्टियाँ अभी सब खोल के रखना है, 45 मिनट हो गए, मनोज तो खोल रहा है देखो, तो अभी रख लेते हैं हम पट्टियाँ सारी खोल के। और सिम लेने में बहुत दिक्कत हुई, मेरा तो सिम चालू ही नहीं हो रहा था नेटवर्क, फिर मनोज के मोबाइल में लगाई तो फिर स्टार्ट हुई वो। हम ऐसी पट्टी घड़ी करके नहीं ले गए थे तो मेरे को बोला कि कल से सही से घड़ी करके लाना, तो आज सही घड़ी कर रहा हूँ। बोलिए सर, घड़ी कर रहा हूँ और क्या, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब घबराहट हो रही पेट में, अब भूख लग रही, जल्दी से कुछ खा लेते हैं। चलो ये रख लेता हूं घड़ी का। तो ये मनोज को दिया है बॉइल्ड एप्पल, भैया बोल रहे चने नहीं खाएंगे, तो सारा दे दिया चने, मैं कैसे खाऊंगा, ये कच्ची सब्जियों का जूस, तो ये खा के फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later 3rd glass विजय सार पानी का ले लेते भी चलते हैं। अब अभी रोस्ट चना वगैरह जो अल्पाहार लेना था ले लिया, बॉइल्ड एप्पल इसने ले लिया। अब हम जा रहे हैं 5:45 पे योग भवन, जिसको इस प्रकार का दिखता है। अब यहाँ पे हमको अलग से पैकेज होगा अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से, वही आसन हमको शाम को करना रहेंगे। एक चीज का मैंने ये देखा, यहाँ पे शूज का कोई काम नहीं है, अगर आप सैंडल पहन रहे हो तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको हर जगह नहाना गीला ही होना, इसलिए सैंडल जरूर लाना। 2 hours later तो दोस्तों मैंने अभी शुगर चेक करी, योग वगैरह कंप्लीट हो गया है, 245 सही है, नोट कर लिया इधर।
और खाना खाने के बाद कितनी आएगी, इंसुलिन लगाऊंगा थोड़ा सा, चलते चले खाना खाते हैं। A few moments later, भोजनशाला में आते से ही करेले का जूस, मेथी पाउडर और सरसों का पाउडर। चलो खाना खा लेते हैं। तो शाम की डाइट है मेरी सोया पनीर, सूप और रागी बाजरा की रोटी, और सब्जी और एक ये सब्जी है, दो तरह की सब्जी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद भी एक डोज काढ़े का लिया, सर्वकल्प क्वाथ, और उसके बाद अब जा रहे हैं हम रूम की ओर। इतने बुरी तरीके से टूट चुके हैं कि अब सीधा कुछ भी नहीं बचा, और हम तो पैदल जाते हैं हमारे रूम तक, और गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? सुबह 3:30 बजे को उठे और अभी तक सोए नहीं, दिन में भैया एडिटिंग करने लग गया, मेरा सिर दुखने लग गया आपको। तो ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो क्या करना है? सब्सक्राइब और लाइक करना ना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय। गाड़ी में बैठे जाओ, अब हम रूम पे जा रहे हैं।